Hello and welcome to the easy classes. Demand for money की सीरीज में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस सीरीज में एक वर्जन कैम्ब्रिज का भी है. पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फिशर्स वर्जन. कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ डिमांड फॉर मनी है, स्लाइटली डिफरेंट है उससे, लेकिन कंक्लूजन दोनों का सेम है. यानी दोनों एक ही जगह पहुंच रहे हैं, एक ही नतीजे पे पहुंच रहे हैं, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट रूट. तो आज हम डिस्कस करते हैं कैम्ब्रिज वर्जन. कैम्ब्रिज वर्जन क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कि ये एसोसिएटेड है उन इकोनॉमिस्ट से जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड थे, और उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल जिनका है वो है मार्शल और पीगू. ये दो बड़े इकोनॉमिस्ट जो कैम्ब्रिज स्कूल से रिलेटेड हैं. और ये वर्जन आता है सामने रफली 1917 में. ये वर्जन क्या है, आप रिकॉल करें कि फिशर वर्जन क्या था, कि डिमांड फॉर मनी जो है वो होगी एक कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल, कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन अपने आप में डिटरमिन हो रहा है कैसे, लेवल ऑफ आउटपुट से. और किसी भी वक्त इकोनॉमी में या तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा या फुल एम्प्लॉयमेंट के आसपास की चीज होगी, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उसी को मानते थे. अच्छा, जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हैं वो भी क्लासिकल ट्रेडिशन के ही फॉलोवर हैं, तो इसीलिए हम इसको क्लासिकल में कह रहे हैं. आप क्लासिकल कहो, न्यू क्लासिकल कहो, लेकिन वो क्लासिकल ट्रेडिशन ही है. ओके, अच्छा, फर्क कितना है. इन्होंने ये माना, मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ाया. यानी फिशर वर्जन जो था उसमें मनी का रोल जो है वो खाली फैसिलिटेटर ऑफ एक्सचेंज है, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रही है, और आपको पैसे की जरूरत पड़ती है सिर्फ इस काम के लिए जिससे आपका काम चलता रहे, जो आपको ट्रांजैक्शन करने हैं वो चलता रहे. उसके डिटरमिनेंट्स हैं कि वेलोसिटी और आउटपुट लेवल कितना है, कितनी गुड्स को ट्रांजैक्ट होना है इकोनॉमी के अंदर, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था. यानी द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल विल हैव टू होल्ड, ये फिशर का कंक्लूजन है बेसिकली. अच्छा, एक और चीज दिमाग में रखिए, शायद मैंने उसमें यह बात ना बताई, जब हम डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं तो वो होती है डिमांड फॉर मनी टू होल्ड, यानी कितना पैसा आप डिमांड करेंगे पैसे की शक्ल में रखने के लिए, दैट इज डिमांड फॉर मनी बेसिकली. ओके, इन लोगों का कहना था कि लोग पैसा जो है वो खाली ट्रांजेक्शन के लिए तो करते नहीं, वो दूसरी चीज़ों भी करते हैं. भाई वो हमारे पास अगर कुछ पैसा है तो हम इसके लिए करें कि हम उससे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें छोटे मोटे, और फॉर एग्जांपल हमारी कुछ इनकम होती है हमें ट्रांजैक्शन के अलावा, अगर हम पैसा इस बात के लिए अपने पास रखें कि अगर कोई उतार चढ़ाव कैपिटल मार्केट में हो रहा है तो हम उससे कोई इंटरेस्ट यील्डिंग बॉन्ड खरीद लें, कोई दूसरे इक्विटी खरीद लें. तो बेसिकली डिमांड जो है उसका पर्पस खाली यहां तक कन्फाइंड नहीं है कि ट्रांजैक्शन कितना होना है. तो इसलिए ट्रांजैक्शन को तो हमने माना था कि आउटपुट का एक प्रोपोर्शन जो है वो ट्रांजैक्शन में आना है. इन लोगों का कहना था कि ये चीज जो है वो टोटल आउटपुट लेवल पर डिपेंड करेगी, क्योंकि लोगों की इनकम भी उसी पर डिपेंड करेगी. तो कैम्ब्रिज के यहां जो डिमांड फॉर मनी होगी कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट के लिए, जो उनका मानना है एम डी इज इक्वल टू पी वाई, यानी टी की जगह वाई आ गया, पी वैसे एज इट इज रहा, के एज इट इज रहा, तो सारे डिटरमिनेंट्स में से वाई जो है वहां एक चेंज है क्लासिकल वर्जन से, मतलब फिशर वाले वर्जन से. राइट, अच्छा, फर्क इससे कितना पड़ रहा है कि मनी का रोल, उसका फंक्शन क्या है वो चेंज हो रहा है खाली, जिसकी वजह से उन्होंने इसको लिया. यानी एक थोड़ी सी इनलार्जमेंट हो रहा है एक तरह से. वहां पर था कि ट्रांजैक्शन जो है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो टोटल आउटपुट का एक प्रोपोर्शन होगा, और यहां कह रहे हैं कि आउटपुट लेवल, इसलिए कि लोग जो हैं वो पैसे को रखेंगे, वो चाहे अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन पर खर्च करें या उससे कोई दूसरा फायदा उठाना चाहें, कोई एसेट खरीद लें, चाहे वो इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट हो चाहे इक्विटी हो, कुछ भी है जिससे उनकी इनकम एनहांस होगी. तो वो डिपेंड करेगा ट्रांजैक्शन पे, नहीं डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन पे, वो लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड करेगा.
यानी फर्क जो है, बेसिक फर्क जो नजर आ रहा है वो ये है कि फॉर फिशर, मैं कैपिटल से लिखूं इसलिए कि नाम है, फॉर फिशर हाउ मच, सॉरी, मनी पीपल विल हैव टू होल्ड, ओके, यानी विल हैव इंपॉर्टेंट है, यानी इससे कम से उनका काम चलेगा नहीं क्योंकि उनको ट्रांजैक्शन करना है. और फॉर कैम्ब्रिज ये होगा हाउ मच मनी पीपल विश टू होल्ड, ये चीज. तो बेसिक फर्क जो है वो ये है, विश टू होल्ड एंड हैव टू होल्ड का. और ये फर्क आ रहा है इस वाई जो कैम्ब्रिज क्या है और टी जो फिशर क्या है. अच्छा, रिजल्ट वही है और मनी प्राइस रिलेशनशिप भी वही रहा कि जब सारी चीजें कांस्टेंट हैं, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो कांस्टेंट होंगे, तो मनी प्राइस का भी रिलेशनशिप वही रहेगा. कंक्लूजन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इस बात का फर्क है. लेकिन ये दो हम अलग अलग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है फिशर से, क्योंकि इसके ऊपर वो किस तरह से करेंगे, उसकी क्या एनालिसिस होगी, फर्दर उन्होंने नहीं किया इसको. इस काम को किया केन्स ने. केन्स ने कहा कि डिमांड फॉर मनी फॉर डिफरेंट मोटिव्स, तो नेक्स्ट जो डिमांड फॉर मनी होगी वो केन्जियन डिमांड फॉर मनी होगी, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूं. तो फॉर दिस थैंक यू वेरी मच.